हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं आपका यूपी टेपर्स जो विज्ञापन आपका जारी हुआ था पैट 2022 से। तो दोस्तों, उसमें देखिए दो भर्ती के विज्ञापन था, जो मेन था आपका दोस्तों, एक था आपका BPO और एक था दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट, जिसमें कि आपका 5512 वैकेंसी थी और इसमें शायद आपकी 1462 थी शायद, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को लगातार मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर BPO का एग्जाम कब होगा, साथ में आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा। तो इन्हीं दोनों एग्जामों के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए पैट 2023 से एक बड़ा विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, अभी तक पैट 2023 से आपके टोटल 10 विज्ञापन जारी हुए हैं, लेकिन सारे के सारे विज्ञापन जो हैं आपके स्पेशल योग्यता वाले हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल 12th पास कर रखा है या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, दोस्तों फिर इसमें से किसी का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए पता होगा पैट 2023 से एक फॉर्म आपका आने वाला, लेखपाल का आने वाला है, और बहुत जल्दी विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा, जिसमें कि लगभग आपके 5000 के आसपास पद आपके अभी रहेंगे। पूरी संभावना है जब तक आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम होगा, जब तक आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तब तक ये पदों की संख्या आपकी 5000 से लेकर के 6000 के बीच में आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी लेखपाल में आपका सिलेबस रहेगा, देखिए UPG के कंप्यूटर और साथ में आपका ग्राम विकास, ठीक है, ये दोस्तों तीन सब्जेक्ट तो आपके ऐसे हैं, ये आपके 100% जो आपके सिलेबस में रहेंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई यानी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में रहता है, जैसे कि आपका हिंदी रहेगा या GS रहेगा, तो दोस्तों उन सभी के जो कंप्लीट जो PDF नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे ग्रुप में, लेखपाल के में। अगर ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7042654209 पर, ठीक है। तो ग्रुप से रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। अब उसमें हम बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में। जैसे दोस्तों, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि अभी तक देखिए दोस्तों, जो एजेंसी आपका एग्जाम कराएगी वो एजेंसी अभी तक आपकी फाइनल नहीं हो पाई है, यानी अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी आपका एग्जाम कराएगी। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं कि जैसे कि आज आपका कंपनी गठन हुआ और पता चला कि एक महीने बाद एग्जाम करा लेगी, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो भी आपकी एजेंसी होती है उसको भी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आपका टाइम चाहिए। आज दोस्तों देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका, तो आज आपका 6 जुलाई आपका हो गया है, ठीक है, यानी 6 जुलाई आपका हो गया। दोस्तों इतना मांग चलिए, आप देखिए यूपी टेपीसी कोई भी एग्जाम आपका सितंबर से पहले तो आपका नहीं कराने वाला है, यानी इतना मान सकते हो कि सितंबर से पहले आपका कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा यूपी टेपीसी से, ठीक है, पहले कोई एग्जाम नहीं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम कब स्टार्ट होने होंगे, देखिए हो सकता है सितंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाए, मिड सितंबर में स्टार्ट हो, या आपके सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि सितंबर से पहले कोई एग्जाम आपका नहीं होने जा रहा है। अब देखिए, पहले कौन सा आयोग एग्जाम करा, हो सकता है कोई मेडिकल वाला एग्जाम पहले हो जाए या आपका BPO का पहले हो जाए, ठीक है। तो यानी जो BPO के एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, तो आप सितंबर को एग्जाम डेट मान के अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें आपका जूनियर असिस्टेंट की, जो 5512 वैकेंसी है, तो दोस्तों इसका देखिए एग्जाम जो मांग चली कि नवंबर दिसंबर के आसपास में आपका एक जो एग्जाम है वो आपको जा सकता है, यानी नवंबर से पहले तो कम से कम संभावना आपकी नहीं है कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका हो सकता है इससे नवंबर से लेट आपको दिसंबर हो जाए, लेकिन इतना मांग चलिए कि नवंबर से पहले तो आपका जो एग्जाम है नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, अच्छा खास समय अभी आपको मिल रखा है, अगर मान लो अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई, तो अच्छा टाइम आपके पास है तैयारी करने का, चाहे आप BPO की तैयारी करो, चाहे आपने जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसको अपना अंतिम एग्जाम मान के अपनी तैयारी करते रहो। क्योंकि दोस्तों, चाहे आपका यूपी टेपीसी हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका कैंसर का, किसी भी राज्य में आप जाकर देख लो, जितने भी आपके स्टेट हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश आपके हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो दोस्तों सभी स्टेट में आपका सेम वही हाल है, या तो पेपर होते नहीं है, पेपर होते तो आपके लगातार आउट होते रहते हैं, ठीक है। तो यानी जिस भी एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिल जाए उसको आप अच्छे से अपना पूरा 100% दीजिए, उसी में कोशिश करिए कि उसी में आपकी जॉब लग जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों जानकारी आपको देनी थी। अगर इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।